अच्छा जी, इस वक्त ये जुम्मा पुलाव यहाँ पर जो है तैयार हो चुकी है और ये प्लेट है, इसको मैं खा के आपको दिखाता हूँ कि जायका कैसा है, क्योंकि खाए बगैर जो है हम कोई भी फीडबैक यहाँ पर दे नहीं सकते। जुम्मा पुलाव, इस वक्त मैं जुम्मा बिरयानी के पास मौजूद हूँ, कराची की सबसे मकबूल बिरयानी जुम्मा बिरयानी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत लंबी कतार यहाँ पर मौजूद है, मगर आम कॉन्सेप्ट है कि जुम्मा बिरयानी वो कौन सा ऐसा नसीब है, वो कौन सा ऐसा जायका है जो यहाँ पर लोगों को फराम करता है और अपने नसीब का यहाँ पर जो है देखो कि देखे खाली करके जुम्मे के रोज़ चले जाता है। यहाँ पर एक जो है जुम्मा बिरयानी मुझे दिखी और जुम्मा बिरयानी के साथ साथ एक और बिरयानी है। आपको दिखाने का मकसद इस व्लॉग में सिर्फ और सिर्फ ये है कि नसीब अल्लाह बनाता है तो किस तरीके से बनाता है। एक तरफ कतारों की कतार है, लाइनों की लाइन है यहाँ पर लगी हुई है, लोगों का जम्मे गफीर यहाँ पर है और लोग अपने दफातर से, घरों से, हर जगह से यहाँ पर आए हुए हैं और जुम्मा बिरयानी का इंतज़ार कर रहे हैं कि जुम्मे के रोज़ जुम्मा बिरयानी को खा के जो है बहुत ज़्यादा खुश होंगे, पेट भरेंगे और एक अलग सा जायका इनको मिलेगा। मगर साथ साथ थोड़ा सा आगे चलते हैं, इधर इतना रश है, आप देख लें, पहले रश देख लें फिर एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि जुम्मा बिरयानी के साथ अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये सामने की तरफ मुझे एक और बिरयानी यहाँ पर दिखी है। मैं कोशिश करूँगा कि उस बिरयानी के हवाले से, आया वो बिरयानी है, पुलाव है क्या नहीं है, ये देख यहाँ पर मौजूद है और माशाल्लाह से ये भाई यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। सलाम भाई। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम भाई, जुम्मा बिरयानी के पास यहाँ पर मौजूद हैं, बिरयानी है, पुलाव है? पुलाव है, पुलाव। यहाँ पर हम मोहम्मद असलम भाई की जो है पुलाव भी टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो है मुझे पुलाव बताइए कितने की आप यहाँ पर दे रहे हैं? 200 रुपये की। 200 रुपये। जुम्मा बिरयानी के पास जो है आपका ये काउंटर मौजूद है, वहाँ इतना रश लगा हुआ है, आपने कब से शुरू किया? अभी 2 हफ्ते हुए हमारे को। हफ्ते हुए हैं तो अभी कोई आ नहीं रहे? आ रहे हैं। मतलब अभी कितनी देर जो है शुरू की है आप? दो देर हैं। रोजाना की बुनियाद पर आप यहाँ पर होते हैं? जुम्मे को सिर्फ। आप भी जुम्मे को होते हैं तो वो तो जुम्मा बिरयानी है, आपकी किस नाम से? जुम्मा पुलाव है ना ये? जुम्मा पुलाव के नाम से जी, ये जुम्मा पुलाव है। ये ऊपर आप देख सकते हैं कि प्रिंस पुलाव एंड बिरयानी। तो जायके में बताइए कि जायके में कैसी है, जो लोग खाते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जायके में बहुत ही बेहतरीन है माशाल्लाह, जो भी खाता है तारीफ़ करता है और हमारे पंपलेट वगैरह बांटे हुए हैं, कॉल्स वगैरह में आती है मार्केट से मोबाइल वगैरह की, और हमारा काम करके 2:30 बजे से बाद ही शुरू होता है। हाँ, और आप भी जुम्मे को ही होते हैं? जी बिल्कुल, जुम्मे को, आज थर्ड जुम्मा है हमारा। जुम्मे को किस टाइम से लेके किस टाइम तक आप लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं? सर 12 बजे से लेके 3:30-4 बजे तक 2 जगह निकल जाती हैं। माशाल्लाह से। और क्या कीमत क्या है? सर 200 रुपये का बीफ पुलाव है और सादा 100 रुपये का। सादा 100 रुपये का। हम यहाँ पर जो है एक चाहेंगे कि प्लेट भी तैयार करके दिखाएं बीफ पुलाव की, कि जो है किस तरीके की वो पुलाव है। सबसे पहले देख यहाँ पर हम देख लेते हैं, आप प्लेट बना के दिखाएं कि कितनी क्वांटिटी यहाँ पर जो है लोगों को यहाँ पर दे रहे हैं हमारे असलम भाई। जुम्मा पुलाव जुम्मा बिरयानी के बिल्कुल सामने ही है और प्रिंस पुलाव और बिरयानी, जो कि हम जो है जुम्मा पुलाव के नाम से भी कह सकते हैं क्योंकि जुम्मे को ये भी लग रही है। अच्छा जी, इस वक्त ये जुम्मा पुलाव यहाँ पर जो है तैयार हो चुकी है और ये प्लेट है, इसको मैं खा के आपको दिखाता हूँ कि जायका कैसा है, क्योंकि खाए बगैर जो है हम कोई भी फीडबैक यहाँ पर दे नहीं सकते कि आपको यहाँ पर आना चाहिए या नहीं। वाकई गर्मा गर्म जो एक नॉर्मल शादी वाली जो होती है, एक टेस्ट जो होता है उस जैसा जायका यहाँ पर है, और जो बोटी है बिल्कुल जो है साफ़ सुथरी बोटी है, साफ़ सुथरे चावल हैं, पुलाव की क्वांटिटी भी यहाँ पर बिल्कुल रही है। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि आप यहाँ पर आएँ, जो पुलाव खाने के शौकीन हैं उनके लिए बेहतरीन पुलाव यहाँ पर जो है लग चुकी है जुम्मा पुलाव। कराची वाले यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर जुम्मा पुलाव को ट्राई कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पर मसरूफ़ हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि हर जुम्मे को यहाँ पर जो है जब मेरा पुलाव खाने का मूड हो तो मैं यहाँ पर ज़रूर आऊँ।
इसी तरीके से मज़ीद वीडियोज़ में भी हम आपके साथ मिलते रहेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इसको खाने के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।